नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। भारत हिंदू सऊदी अरब बनता जा रहा है, तस्लीमा नसरीन। पाकिस्तानी गायक गुलाम अली के मुंबई में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को रद्द करने का मुद्दा सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बना हुआ है। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने ट्विटर पर लिखा है कि ओ माय गॉड, शिवसेना की धमकी के बाद पाकिस्तानी गायक गुलाम अली का कार्यक्रम रद्द हो गया। भारत हिंदू सऊदी अरब बनता जा रहा है। तस्लीमा ने दूसरे ट्वीट में लिखा है कि गुलाम अली कोई जिहादी नहीं है, वो एक गायक है। कृपया जिहादी और गायक के बीच के फर्क को समझने की कोशिश करें। गुलाम अली को कार्यक्रम रद्द होने से लगा धक्का। पाकिस्तान के जाने माने गजल गायक गुलाम अली ने मुंबई में 9 अक्टूबर को जगजीत सिंह के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम को शिवसेना की धमकी के बाद रद्द किए जाने पर निराशा प्रकट करते हुए कहा कि इससे उन्हें काफी धक्का लगा है। उन्होंने कहा, मैंने भारत में हमेशा प्यार पाया है। गजल सम्राट जगजीत सिंह मेरे भाई के समान थे। संगीत की कोई सीमा नहीं होती। अपने संगीत के माध्यम से हम प्यार बांटने का काम करते हैं। मेरी आवाज सीमाओं के साथ बंधी नहीं है। मैं सिर्फ अपने संगीत के माध्यम से प्यार बरसाता हूँ। संगीत अल्लाह, भगवान और ईश्वर है। इस तरह का विवाद संगीत के लिए नुकसानदायक है। वायुसेना के स्थापना दिवस पर हिंडन एयरबेस पर हैरतअंगेज प्रदर्शन। वायुसेना आज अपना 83वां स्थापना दिवस मना रही है। गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर भारतीय वायुसेना ने अनेक हैरतअंगेज प्रदर्शन किए, जिनमें MI-17, MI-35, सुखोई के अलावा अन्य लड़ाकू विमान शामिल थे। सबसे पहले पैराट्रूपर ने आसमान में तिरंगा लहराया और इसी के साथ हवाई करतब की शुरुआत हुई। इस मौके पर वायुसेना के मानद ग्रुप कैप्टन सचिन तेंदुलकर भी फुल ड्रेस में मौजूद रहे। वायुसेना की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। तब इसे ब्रिटिश एयरवेज के नाम से जाना जाता था, लेकिन आजादी के बाद इसका नाम बदलकर भारतीय वायुसेना कर दिया गया।